कभी कभी जिंदगी भी ऐसे रंग दिखाती है कि इंसान रातों रात आसमान की उन बुलंदियों पर होता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। धार के मांडू की सीता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक गांव की सीधी साधी महिला रातों रात फैशन वर्ल्ड का एक आकर्षण बन गई। कैसे, देखिए रिपोर्ट। दुनिया की जानी मानी फैशन मैगजीन वोग और उस पर छपी ये तस्वीर धार के मांडव की सीता के लिए ये किसी सपने से कम नहीं है। इस तस्वीर में सीता ने जो साड़ी पहनी है वो उसने खुद ही डिजाइन की है, जो आज दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र बन गई है। इस उपलब्धि से सिर्फ सीता ही नहीं पूरा मांडू और धार जिले की खुशी का ठिकाना नहीं है। जिला प्रशासन ही नहीं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी इस फोटो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। कलेक्टर सर ने और एडीएम मैडम ने मेरे को फोन लगा के बताया था। क्या बताया? कि तुम्हारी फोटो छपी है मैगजीन में। नहीं, हमने कैटलॉग के हिसाब से फोटो खिंचवाई थी, इतना वो नहीं सोचा था कि ये ऐसी कुछ हो जाएगा। नहीं, इसका क्रेडिट जिला प्रशासन की टीम को जाता है और साथ में इनको जाता है, प्रवीण को जाता है, सबको जिन्होंने सिखाया उनको जाता है। हमें अभी बहुत सारे कॉल्स आ रही हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो साड़ी देखना चाहते हैं, ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं। बहुत सारे इंडिपेंडेंट डिज़ाइनर्स हैं जो बोल रहे हैं कि जो पूरी लुक बुक है वो हमें सेंड कीजिए और हमें दिखाइए और कौन कौन सी साड़ियाँ हैं जो इन्होंने बनाई। सीता के छोटे से गाँव से एक जानी मानी अंतर्राष्ट्रीय फैशन मैगजीन के पन्ने तक पहुंचने की कहानी किसी परी कथा से कम नहीं है। जिला प्रशासन ने 27 जनवरी से 27 फरवरी तक धरा प्रिंट और बटिक प्रिंट की ट्रेनिंग आयोजित की। इस ट्रेनिंग में धरा स्व सहायता समूह ने भी हिस्सा लिया। सीता बसुनिया इसी स्व सहायता समूह की एक सदस्य हैं और परंपरागत कपड़े डिजाइन करती हैं। इसी दौरान दिल्ली की फैशन फोटोग्राफर अदिति गुप्ता ने सीता का अपनी खुद की डिजाइन की हुई साड़ी पहने एक क्लिक किया और वोग मैगजीन में भेज दिया। ये मांडव में हुआ था। किस दौरान? साड़ी हमारी, हमने साड़ी बनाई थी तो उसका प्रचार के लिए हमने फोटो खिंचवाई थी अदिति दीदी से, तो उन्होंने शायद तो डाली है। परिवार वाले बहुत खुश हुए थे, मैं भी खुश हुई थी कि फोटो छपी है तो बहुत अच्छा लगा। जैसे हमने बताया कि एक्चुअली हमारा पर्पस जो था वो किसी मैगजीन में आना नहीं था। हम चाहते थे हमारी साड़ियों का, हमने देखा वो साड़ी ज़्यादा बिकती है जिसका अच्छे से हम ब्रांडिंग करते हैं, तो ब्रांडिंग करने के लिए हमने फ़ोटोशूट करवाया कि जब हम इनको ब्रांड्स को भेजेंगे कि देखिए ये हमारी साड़ियाँ हैं तो वो ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। तो हमने कहा कि हम अच्छा फ़ोटोशूट करवाएंगे, उसके लिए हमने दिल्ली से बुलाया, हमारी सहेली हैं अदिति, उनको बुलाया, उन्होंने फ़ोटोशूट किया। और फिर क्योंकि वो एक फैशन फोटोग्राफर है, जब अपनी प्रोफाइल पे उन्होंने ये पिक डाली तो ये पिक वाज पिक्ड अप बाय वोग एंड देन इट गॉट हाइलाइटेड। फिल्मी सी नजर आने वाली इस कहानी की डायरेक्टर धार की एसडीएम सलोनी सिडाना को कहा जाए तो गलत नहीं होगा। प्रशासन की एक अच्छी पहल किस तरह किसी की जिंदगी रातों रात बदल सकती है, सीता की ये कहानी इसी की एक मिसाल है। दीपक सिंह चौहान, बंसल न्यूज़, धार।